अरे भाई 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 भाई, भाई। इधर ही रुकना है, इधर ही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो यार? इस बंदे का मैं पिछले 20 मिनट से यहाँ खड़े होकर वेट कर रहा हूँ, ठीक है? और ये घर बैठ के मुझे मैसेज करे शहीद चौक पे आ जाओ। मैंने यहाँ तस्वीर भेजी है कि मगर आज तो रंगे हाथों पकड़े गए ना, झूठ बोलते हुए। असल में कराची के 5 मिनट आपने लगता है अभी तक समझे नहीं है। नहीं, अब मुझे समझ आ गए हैं। और ये पहले ये क्लियर कर दें, बाइक होता है या होती है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ दिलदार राजपूत और आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं ज़रा आहिस्ता बोलूँगा क्योंकि भाई की तबीयत शदीद किस्म की ख़राब है। भाई की शादी की तैयारियाँ कर रहे थे तो पहले लकड़ियाँ कटवाते रहे, फिर पेंट वगैरह का काम। सर्दी इतनी शदीद थी कि बस मैं पिछले 3-4 दिनों से बेड से उठा ही नहीं हूँ। अभी मुझे याद आया कि यार शराज भाई आए हुए हैं अपने, शराज भाई कराची से, तो वो क्या कहेंगे कि मैं आया हूँ तो ये बेड पर चला गया। तो जनाब अंदर ये वाला सीन बना हुआ है, ठीक है? ये हर तरफ देख लें, ये नीचे कालीन बिछाई हुई है ये कि फर्श ख़राब ना हो, और यहाँ पे ये सारा सीन उनका पड़ा हुआ है। आज क्योंकि जुम्मे है तो वो लोग छुट्टी पे हैं, आज फिर ये सारा सामान हमने अंदर रख दिया। अभी रब्ता करते हैं शराज भाई से कि वो किधर है। तो जनाब अभी जुम्मा पढ़ के मैं वापस आया हूँ और आज मेरे ख्याल में कहीं दूर आग लगी हुई है, राख उड़ उड़ के आ रही है हर तरफ। और मेरे पास आए हैं जमाल हसन, मुझे पिछले 2-3 दिनों से ये कॉल कर रहे हैं। मैं बुखार की वजह से मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाया, आज इनको बोला कि यार आप आओ। अच्छा नहीं लगता कि इनकी कॉल आती नहीं है, तो भाई जो का सोया पड़ा है। हाँ जी सर, सबर एक मिनट अभी उधर कर ले, हम थोड़ी सेटिंग कर ले। अच्छा चलो कर लो। फाइन मगर मुंह धो के आ पड़ो। और तो मुंह धो ना यार, हो गया। तो 50 रुपया के कर ले, नोट के ना पहनो। बस 50 रुपए तो भी पड़ा ना। ओपरा मुंडा और ये सारे लोग कहीं घूमने फिरने आ रहे थे, तो इन्होंने मुझे भी कहा है, मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन अब इनको ना नहीं कह सकता था तो मैं इनके साथ आ गया हूँ। तो मेरा मूड नहीं है बिल्कुल व्लॉग करने का क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है। और ये लोग जहाँ पे लेके आए हैं, मैं सिर्फ वो जगह आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हर तरफ चमगादड़े ही चमगादड़े हैं। ये चमकीली भी इस पेच मिक्स की थी ने। शीशे दे रखे मैंने। अच्छा यार तबीयत मेरी इतनी ख़राब है और मैंने मतलब सिर्फ मोबाइल लाया हुआ है, माइक वगैरह नहीं लाया हुआ, तो आवाज़ के लिए माजरत। तबीयत इतनी ख़राब है, मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग करूँ ना करूँ, ब्लॉग करूँ ना करूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी यह है कि मैंने ये सामान लिए, ये सामान यहाँ पे वैगन आने वाली है उस पर रखाना है और फिर पेट्रोल लेके तो वापस जाना है। घर में तो हमने अगर मिस्त्री या पेंट वगैरह वाले या कोई भी काम लगवाया हुआ है तो जितना सामान ला के रख देते हो वो काम ही पड़ेगा। मैं अभी वापस आया हूँ बुखार से और दूसरे कमरे में इन्होंने तकरीबन काम मुकम्मल भी कर दिए। मैं ये शीट लगी है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वाल ग्रेस, जो भी वाल ग्रेस। और ये अच्छा कलर लग रहा है, बड़ा जल्दी इन्होंने काम किया है। बाकी पेट्रोल वगैरह मैं ले आया हूँ, अभी देखते हैं।
मैंने आज का व्लॉग एंड करना है, लेकिन उससे पहले ये मैं उतार लूं। ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग, तो आपसे अगले व्लॉग में मिलते हैं। तब तक दिलदार राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।